हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। ये वीडियो जिस टॉपिक पर मैं बनाने जा रहा हूँ, ऑलरेडी मैं पहले कई बार बना चुका हूँ और बहुत बार ये बात मैं अपने कई सारे वीडियो के अंदर बोल चुका हूँ, पर फिर भी मैं उस सेम टॉपिक पर ही वीडियो बना रहा हूँ। बार बार एक ही बात को रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि आपको मालूम होगा कि हमारा दिमाग कैसे काम करता है। जब कोई चीज़ बार बार सुनी जाती है, बार बार देखी जाती है, तो दिमाग अपने आप हमें उस चीज़ के बारे में सोचने के लिए या उस चीज़ के बारे में फैसला लेने के लिए मजबूर करता है। इसी वजह से जब कोई मूवी रिलीज़ होने वाली होती है तो उसको एक बार नहीं बताया जाता, बार बार बताया जाता है, ट्रेलर के रूप में, बार बार टीज़र, और अभी ऐड चल रही है, पोस्टर, होर्डिंग, ये सब चीज़ें। या टीवी में कोई ऐड आती है किसी भी प्रोडक्ट की, तो वो इतनी बार बार दिखाई जाती है, इतना पैसा खर्च किया जाता है कि पता है कि बार बार करने के बाद वो बात कॉन्शियस माइंड से सबकॉन्शियस माइंड में चली जाएगी, मतलब चेतन मन से अवचेतन मन में चली जाएगी। और जैसे ही कोई भी बात आपके अवचेतन मन में चली जाएगी तो आप चाहो या ना चाहो ऑटोमेटिकली आप एक्शन उसी के चीज़ के लिए लोगे। तो सेम थीम के ऊपर मैं काम कर रहा हूँ। मैं लगातार ऑलरेडी बहुत बार ये वीडियो इस बना चुका हूँ इस टॉपिक पर, और कई हर वीडियो में तकरीबन ये बात बोलता हूँ, और आज उसके ऊपर मैं बात कर रहा हूँ। तो पहले मैंने आपको ये कॉन्सेप्ट बताया कि क्यों एक ही चीज़ को बार बार रिपीट किया जा रहा है। थंबनेल में आपने पढ़ी लिया होगा, आपको जुआ बर्बाद कर देगा, ये बात आप भी जानते हो पर आप छोड़ नहीं पाते हो। या कहीं ना कहीं आपके अंदर ना एक उम्मीद है कि नहीं नहीं एक बार रिकवरी हो जाएगी तो हम छोड़ देंगे, एक बार ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, एक बार हमारा गया हुआ पैसा आ जाए तो, या हम अभी भी उम्मीद है कि यार थोड़ा लॉस कवर कर लें, या हम रिकवरी कर लें, या हम क्या पता इसमें जीत जाएं और इसको अपना करियर बना लें। बॉस, ठंडे दिमाग से सोचो आप लोगों ने अपना कितना पैसा बर्बाद किया इसी सोच के साथ, और कितना लंबा वक्त बर्बाद किया। आप यही सोच के साथ आपने पहले दिन खेला, जीते हारे मुझे नहीं मालूम, हम बात करते हैं अगर कोई 6 महीने से खेल रहे, 6 महीने में, 6 महीने में आप लगातार तो नहीं जीते होंगे। जब आप पहले 6 महीने की बात करते हैं, जब आपने शुरू किया पहले दिन जुआ खेलना, और उसके पहले 6 महीने के अंदर आप लगातार तो नहीं जीते होंगे। तो जब भी 6 महीने में आप लॉस में आए, हर बार आपको यही बात बोली गई, आपके दिमाग ने यही बात बोली कि नहीं नहीं रिकवरी हो जाएगी, बन जाएगा, इस बार मैंने गलती कर दी थी, अब नहीं करूँगा, मैं ये नहीं करूँगा, वो नहीं करूँगा, ऐसे करके दिमाग आपको धोखा देता है। क्योंकि ईजी मनी है, आसानी से पैसा आता हुआ दिखता है। जो कंपनीज हैं वो अपना प्रमोशन कैसे करती हैं, जो कसिनोज हैं, जो ऑनलाइन बेटिंग प्लेटफॉर्म्स हैं, वो अपने कैसे प्रमोट करते हैं, आप देखो ना ऐड वगैरह जितने भी आते हैं, चाहे वो ऋतिक रोशन करे, शाहरुख खान करे, या कोई भी करे, वो हमेशा ये बोलते हैं कि इसमें इस आदमी ने इतना पैसा बना लिया, या आप इतना जैकपॉट जीत सकते हो, या इतना पैसा बना सकते हो, तुरंत आपके खाते में आ जाएगा। कई जगह तो आपने देखा होगा इंटरव्यू चलते हैं कि हाँ मेरा नाम ये है, मैं फलानी जगह में रहता हूँ या रहती हूँ, और मैंने एक दिन मेरे को किसी ने बताया मैंने यहाँ पे खेला और मैंने 1 करोड़ जीत लिया, मैंने 80 लाख जीत लिया, मैंने 2 करोड़ जीत लिया, मैंने 3 करोड़ जीत लिया, है ना। ये सिर्फ इसलिए कहा जाता है कि आपको ईजी मनी की, एक बार में काम टंटा करते पूरा करियर बना लेंगे, ऐसा नहीं होता है। ये ट्रैप है, ये आपको फंसाया जा रहा है, और आपका दिमाग इस चीज़ को बार बार देख देख करके, वो दिमाग भी अब इनके जैसा हो गया, और आपका दिमाग आपको बेवकूफ़ बनाता है। हर बार वो ये बोलता है इस बार मैंने गलती कर दी, अगली बार नहीं करूँगा, मैं जीत जाऊँगा। करते करते वो 6 महीने, कब 1 साल, और कब 2 साल, और कब 3 साल में निकल जाते हैं, पता ही नहीं चलता। ऐसे ऐसे लोग मिले हैं जो ये कहते हैं कि हम करोड़ों रुपये हार चुके हैं कई कई सालों में। अभी चांसेस में भी मेरे को एक भाई साहब मिले थे, उन्होंने मतलब वो भी हो सकता है ये वीडियो देख रहे हो, उन्होंने बोला कि मैंने कुछ 3 साल में कुछ तकरीबन 6 करोड़ रुपए के आसपास मैं माइनस हूँ। और मैंने कहा फिर भी आप यहाँ हो, कह रहे अब ये नहीं छूटती लत जी, ये लत नहीं छूटती, और वो ऑनलाइन नहीं खेलते थे, सिर्फ ऑफलाइन, तो कह रहे ये नहीं छूट सकती। और इंडिया में रिहैब नहीं है, शराब का रिहैब है, ड्रग्स लेने वालों के लिए है नशा मुक्ति केंद्र, पर जुआ मुक्ति केंद्र नहीं है। लास वेगस में है एक, पर इंडिया के अंदर नहीं है, मतलब मेरी जानकारी में तो नहीं है, होगा तो होगा पर मेरी जानकारी में नहीं है। और मैं अगर सब कुछ सही रहा तो एक ऐसा रिहैब सेंटर जरूर खोलूँगा जैसे शराब छुड़वाने के लिए होता है, क्योंकि जुआ एक माइंड गेम है, इसको काउंसलिंग के बाद छुड़वाया जा सकता है, पर हमारे यहाँ प्रोफेशनली कोई काउंसलर है नहीं ऐसा। और काउंसलर होने के लिए उसको खुद जुआरी होना बहुत ज़रूरी है, रह चुका हो, जिसको मालूम हो कि मनोदशा क्या होती है। मैं जितना मर्जी भाषण दे लूँ, मैं ये बात जानता हूँ कि इतनी आसान नहीं है, जितनी भी बातें मैंने बोली ये आप भी जानते हो, तो आपको यार ये तो हम भी जानते हैं पर छोड़ नहीं पा रहे ना। तो देखो मैं ये बात इसलिए फिर भी बोल रहा हूँ क्योंकि मेरा कहीं ना कहीं एक
सर्टिफिकेशन है, एक अथॉरिटी है, क्योंकि मेरे पास एक यूट्यूब चैनल है, 12,000 मेरे 12,000 से ज़्यादा लोग जुड़े हुए मनीष नथिंग पर, 20 से 25 हज़ार, 30 हज़ार सिर्फ गैम्बलर जुड़े हुए हैं मेरे से, ट्रैवल इन इंडिया जो ट्रैवल एंड नॉलेज जो मेरा मेन चैनल है उस पर, 3,000 के करीब मेरे रूलेट इंडिया पर होने वाले हैं, कुछ कॉमन भी होंगे इसमें से, ऐसा नहीं कि सारे ही अलग अलग हैं। तो एक कहीं ना कहीं कुछ लोगों का ट्रस्ट है। अभी तक मैं 70 से ज़्यादा लोगों का जुआ छुड़वा चुका हूँ, जिन लोगों ने सामने से आके बोला कि आपके वीडियो देखने के बाद हमने जुआ बंद कर दिया। ये ट्रस्ट है, पहले ट्रस्ट था कि यार ये आदमी ट्रिक स्ट्रेटेजी बता रहा है, मैंने बताई, आज भी बता रहा हूँ, आगे भी बताऊँगा, उससे उनको थोड़ा सा लॉस रिकवर हुआ या उनका लॉस कम हुआ या उन्होंने जीता। उसके बाद जब उनका विश्वास मेरे ऊपर बना और मैंने बोला यार दोस्तों जितना मर्जी खेल लो एंड रिजल्ट इसका 0 ही होना है, उन्होंने कहा यार ये आदमी ने वो बात बोली सही थी, वो बात बोली वो सही थी, तो ये बात कैसे गलत हो सकती है। तो कम लोगों के समझ में आता है। मैं तो ये सोच करके आया था यूट्यूब पर इस बारे में बात करने की, अगर एक आदमी का भी जुआ छुड़वाने में कामयाब हो गया तो मैं समझूंगा कि ठीक है अपना यही सोसाइटी को कॉन्ट्रीब्यूशन है। तो 70 से ज़्यादा लोग कब हो गए पता ही नहीं चला, और आने वाले दिनों में मैं इसको फिजिकली काउंसलिंग के लिए भी मैं इसको मतलब लगा हूँ ऐसा कुछ, मैं अपने लाइब्रेरी के रूप में या एक ऐसा रिहैब, अगर मेरे को यहाँ पर कोई परमिशन मिलती है या गवर्नमेंट के कोई नॉर्म्स होते हैं, मेरे कुछ कॉन्टेक्ट्स हैं गोवा गवर्नमेंट में, बना रहा हूँ मैं, उस पर पेपर वर्क चल रहा है, अगर ऐसा हुआ तो शायद मतलब कर पाएंगे। अब बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये आएगा कि यार आप एक तरफ से बोल ट्रिक स्ट्रेटेजी बताते हो, दूसरी तरफ से आप कह रहे हो जुआ का एंड रिजल्ट 0 ही होना है, कुछ भी कर लो आप बर्बाद होके ही रहोगे, बिल्कुल सही बात है, और एक तरफ से आप ट्रिक स्ट्रेटेजी बता रहे हो, दूसरी तरफ से आप कह रहे हो जुआ बर्बाद हो जाएगा, कर देगा आपको। आप एक बात समझो, जुआ बर्बाद कर देगा ये तो एक थंब रूल है, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है, इस पर कोई कन्फ्यूजन नहीं है। मैं कभी भी मैंने आज तक किसी भी वीडियो में ये नहीं बोला कि मैंने जुए की कमाई से ये चीज़ें खरीदी हैं या ये चीज़ें करी हैं, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि उसका मैसेज गलत जाए, और ऐसा कुछ है भी नहीं। मैं बिना मतलब कोई बड़ी बड़ी बातें बताऊँ अपने आप को बहुत 30 मार्का दिखाने के लिए, अपने आप को 30 मार्का दिखाने के लिए मैं किसी का घर बर्बाद नहीं कर सकता। मैं क्या बोलता हूँ, अर्थी बेचो, अर्थी तो बेचनी पड़ेगी, कोई ना कोई तो अर्थी बेचेगा ना अपना घर चलाने के लिए, रोजी रोटी के लिए, अर्थी बेचो पर लोगों के मरने की दुआ मत करो, ठीक है। मैं भी एक प्लेटफॉर्म का स्पॉन्सर लेकर के बताता हूँ, उसका नाम बताता हूँ, पर मैंने उनको बोल दिया था क्लियर कि मैं कोई भी झूठी कहानी नहीं सुनाऊंगा कि यहाँ पर मैं खेला, मैंने 1 लाख से 10 लाख बनाया, मैंने ये किया या फलाने ने यहाँ पे किया, मैं केवल ये बताऊंगा कि ये एक प्लेटफॉर्म है, यहाँ पर आपको जीतने के बाद ब्लॉक नहीं किया जाएगा, ये नहीं किया जाएगा, वो नहीं किया जाएगा, ठीक है। पर मैं कोई भी ऐसी चीज़ नहीं बोलने वाला जिससे कि कोई आदमी इस तरफ आए जो ऑलरेडी है, उसको एक बेहतर प्लेटफॉर्म मिल जाए और मैं उस बात का पैसा लेता हूँ, ये भी क्लियर बता रहा हूँ। मैंने क्या बोला कि मुझे भी तो पैसों की ज़रूरत है ना, तो मैं उस बात का पैसा ले रहा हूँ और कह करके ले रहा हूँ, और लोगों को बोलता हूँ जब भी मैं उनके लिए वीडियो बनाता हूँ तो मैं बोलता हूँ कि मेरा ये जो प्रोमो कोड यूज़ करोगे इससे मुझे फ़ायदा होगा, आपको फ़ायदा नहीं होगा, ठीक है। फिर भी लोग कहते हैं कि यार आपको फ़ायदा होगा, हमारा क्या जा रहा है, हमारा तो कुछ नहीं जा रहा, हम तो फिर भी चाहते हैं कि आपको भी फ़ायदा हो, हमारा आपका ये यूज़ करने या ना करने पे हमारा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, पर अगर आपको फ़र्क पड़ रहा है तो ये लोगों की जो रिस्पेक्ट है वो देखता हूँ तो मुझे एक लगता है कि यार और ज़्यादा इस फील्ड में मतलब मेरे को और ज़्यादा वीडियो इस बात के बारे में बताने चाहिए कि जुआ छोड़ दो। देखो दिमाग आपका ना, आपको अब ऐड या कोई प्रमोशन या कोई स्पॉन्सरशिप या कोई वीडियो नहीं अब आपको बेवकूफ़ बना सकता, अब आपका दिमाग आपको बेवकूफ़ बनाएगा, क्योंकि आपके दिमाग ने इतना सारा कंटेंट देख लिया है ऐड के रूप में जी। आप जिस दिन आप माइनस होते हो उस दिन कोई ना कोई जीता होता है, आप ऑफलाइन कैसीनो की बात कर लो तो आपके सामने कोई लाखों रुपये जीत रहा होता है, आप कहते हो यार ये जीत गया मैं क्यों नहीं जीता, चलो कोई नहीं मैं अगली बार और पैसे लाऊंगा और जीतूंगा और खेलूंगा। ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें होती हैं, आपका दिमाग आपको गलत सलाह देता है। अब अगर सीधी सी बात करें तो ये एक बहुत ख़तरनाक एडिक्शन है। एडिक्शन के बारे में मैंने कई वीडियो बनाई कि एडिक्शन से प्रॉब्लम नहीं है, एडिक्शन तो खाना खाने का, चाय पीना भी एडिक्शन है, रात को डिनर के बाद में स्वीट डिश खाना भी एडिक्शन है, किसी को पान खाने का एडिक्शन है, किसी को पैसा कमाने का एडिक्शन है, अपनी ज़रूरत से ज़्यादा पैसा कमाना भी तो एडिक्शन है, ठीक है। मैं हमेशा गैम्बलर्स की रिस्पेक्ट करता हूँ, मैं कभी उनको ये नहीं मानता, क्योंकि मैं जानता हूँ कि वो बहुत बहादुर होते हैं, जितने लॉस में लोग आत्महत्या कर लेते हैं वो उतने लॉस के बावजूद भी लड़ रहे हैं कि एक दिन जीतेंगे एक दिन जीतेंगे, हालांकि वो धोखे में हैं पर वो बहादुर तो बन चुके हैं ना, पैसा उन पर हावी नहीं है। तो मैं बस आप लोगों को इतना कहना चाहता हूँ कि आप जो मर्जी कर लो इसका एंड रिजल्ट 0 ही है, ये एकदम आपको लॉस नहीं देगा।
जैसे ही आप डिसाइड करोगे कि अरे यार लगातार 10 दिन से माइनस हो रहा हूँ, अब मैं जुआ छोड़ दूंगा, तभी आप जीत जाओगे, तभी आप जीत जाओगे, फिर आप जीत जाओगे, फिर आप और खेलोगे। मतलब ये ग्राफ आपने देखे, जो ग्राफ होते हैं ऐसे ऐसे करके ऊपर जाता है, कभी भी ग्राफ सीधा ऊपर नहीं जाता, ऐसे ही नीचे भी सीधा नहीं आता, ऐसे ऐसे आएगा। तो ये क्या करेगा, ऐसे ऐसे करते करते धीरे 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 करके आपको नीचे लाएगा, जिताएगा, फिर हराएगा हराएगा हराएगा, फिर थोड़ा जिताएगा, फिर हराएगा हराएगा हराएगा, फिर थोड़ा जिताएगा, फिर हराएगा। कुछ तो ऐसे लोग भी हैं जिनका गया हुआ, मान लो किसी ने 3 साल में लाखों रुपये हारा, तो कुछ ऐसे लोगों से भी मेरी बात हुई है जिनका गया हुआ सारा पैसा वापस आ चुका था। मैंने उनसे कहा, जब सारा पैसा गया हुआ वापस आ चुका था, फिर क्यों नहीं आपने छोड़ा? कह रहे जब नहीं आया था तो कहते थे एक बार रिकवरी हो जाए छोड़ देंगे, जब किसी भी वजह से कोई जैकपॉट लग गया, कोई लगातार जीत गए, या कोई ऐसी बड़ी बेट से आ गया पैसा, गया वो पैसा सारा वापस आ गया, तो उसके बाद वो कह रहे कि जब पैसा आ ही गया, हमें लाना आ ही गया, तो अब क्यों छोड़े? तो फिर और खेलने लगे। तो मालूम पड़ा जितना माइनस हुए थे, जो सारा वापस आ गया था, उससे ज़्यादा माइनस हुए। ये ऐसे माइंड गेम है, ये एक दिन एक बार में लगातार आपको नहीं हरा करके सारा ख़त्म करेगी। लोगों ने अपने स्कूल की फ़ीस हार गए, कॉलेज की फ़ीस हार गए ऑनलाइन में, कोई अपने कंपनी का पैसा हार गया, कोई मतलब इतनी मैंने स्टोरीज डाली। मुझे वो लोगों ने बोला आप पॉजिटिव स्टोरी क्यों नहीं सुनाते? क्यों सुनाऊं पॉजिटिव स्टोरी? ताकि लोग मोटिवेट हो जाए जुआ खेलने के लिए। तो मेरे ख्याल से दोस्तों आप लोगों को सोचना चाहिए बहुत, मतलब ये ना, ये देखो अगर जीत भी गए तो क्या मिलेगा आपको? आप जीत गए, आपको मिलेगा क्या? आपने जुए के पैसे से कार खरीदी, क्या आप अपने बीवी बच्चों को, अपने समाज में या जो भी आपकी कम्युनिटी है उसमें आप ये कह सकते हो मैंने जुए के पैसे से कमाई करी? आपको झूठ बोलना पड़ेगा लोग, क्योंकि इससे कमाए हुए पैसे की भी तो इज्जत नहीं है ना। और एक डर हमेशा बरकरार रहेगा कि आया है तो वापस भी जाएगा, आया है तो वापस भी जाएगा, ये डर तो हमेशा बरकरार रहेगा। तो ऐसे सोर्स से पैसा कमा के करोगे क्या? अगर कमा भी लिया तो ये डर हमेशा रहेगा कि चले जाएगा, कमा भी लिया तो भी समाज में इज्जत नहीं मिलेगी कि जुए से तो पैसा कमाया है। तो थोड़ा सोचो इस बारे में, रुको, शांत हो जाओ। अभी मैं क्या बोलता हूँ कि नहीं छोड़ सकते ना, आप बोलते हो यार हमारा कंट्रोल नहीं है, नहीं छोड़ सकते, कोई बात नहीं, 3-4 दिन का गैप लो। इस 3-4 दिन इस इन पॉइंट्स पर सोचो कि अल्टीमेटली क्या हासिल किया या क्या हासिल कर लेंगे। अगर सच में आपका दिमाग जो आपको तरकीबें बता रहा है कि ऐसे करेंगे वैसे करेंगे ये होगा वो होगा, तो वो अब तक क्यों नहीं हुआ, पूछो उससे। और अगर ऐसा हो सकता है तो दुनिया के साथ क्यों नहीं हुआ? क्यों 100 में से 99 लोग बर्बाद होते हैं, कोई 1% ही बिरला जीतता है, वो 1% भी आप जुए के अड्डे वालों को बोल सकते हो। तो देखो मैं शुरुआत में 2018 में पहली बार श्रीलंका में कसीनो में गया था, उसके बाद नेपाल कसीनो में गया, उसके बाद गोवा में कसीनो में आया मैं। मेरा ये 4-5 साल का मेरा फिजिकल कसीनो का एक्सपीरियंस है। इस बीच में मैंने हजारों लोगों से बात करी, शुरू में मेरा कुछ लॉस हुआ था 1.5-2 लाख रुपये का पहले 1-1.5 साल के अंदर, जिसको मैंने रिकवर होने के बाद में मैंने सोचा मैं इस पर बुक लिखूंगा। फिर YouTube का सजेशन आया, YouTube पे करना शुरू किया, बुक लिखना थोड़ा बोरिंग और एक्सपेंसिव था, तो इसलिए नहीं हो सकता बॉस, मान लो बात, छोड़ दोगे बहुत अच्छा है। मैं जो प्लेटफॉर्म के बारे में बताता हूँ या अपना प्रोमो कोड यूज, वो क्लियर सी बात है, मैंने इससे ज़्यादा खुल के मैं नहीं बोल सकता कि भाई मैं वो बताने का पैसा लेता हूँ, क्योंकि मुझे भी पैसा चाहिए जैसे आपको चाहिए, ठीक है। पर मेरे पास 2 रास्ते हैं, एक आप लोगों को झूठी कहानियां सुना करके मैं आपसे पैसा लूं, ऐठूं रिकवरी के नाम पर, जिताने के नाम पर, कोर्स के नाम पर, वो काम मैं नहीं करता। मेरा यूट्यूब पर जो भी मेरे पास नॉलेज है टोटली फ्री है, किसी भी चैनल पर चले जाओ। इस वजह से आप लोग जो जुड़े हो मेरे साथ, उसकी वजह से कुछ कंपनियां मेरे को अप्रोच करती हैं, जनवरी से कर रही हैं 2022 से। मैंने एक ही कंपनी को चुना क्योंकि मुझे उस पर लगा कि हाँ थोड़ा सा ये कम से कम है, तो वो भी जुए का अड्डा हराएगी, वो भी मतलब हारोगे आप वहाँ पर भी, पर ये है कि आप का पैसा वहाँ वो ब्लॉक करना वाला वो सीन नहीं है, अभी तक तो नहीं है, आगे हो सकता है। मेरी कोई उनसे रिश्तेदारी नहीं, मैं सिंपल सी बात है उनसे वो पैसा लेता हूँ उनका नाम बताने का, ख़त्म करने, और वो भी अपनी शर्तों पर अपनी मर्जी से। जब मुझे ज़रूरत होती है तब मैं उनके लिए वीडियो बनाता हूँ, उनसे पैसा लेता हूँ और अपना खर्चा चलाता हूँ। गैम्बलिंग अगर सोचो, अगर इसमें सच में इतना सब कुछ होता तो फिर तो मैं गोवा में रहता हूँ, यहाँ पर इतने सारे कसिनो हैं, मैं अपना रोज़ जाऊँगा, रोज़ पैसा कमा कमा के ले आऊँगा। मुझे मालूम है कि इसमें एक वक्त पे थोड़ा सा ही पैसा आएगा, तो मैं थोड़ा सा पैसा लाता हूँ, अपने घर का काम चला लेता हूँ, उसके बाद 1-2 महीने का गैप ले लेता हूँ, फिर 1-2 महीने बाद जाता हूँ, थोड़ा सा पैसा बजट बना करके जाता हूँ, फिर उससे वो करता हूँ। इतना कंट्रोल सब में नहीं होता ना, हमें तो रातों रात
हथेली पे सरसों चाहिए, बहुत सारा पैसा चाहिए, जल्दी चाहिए, इजी मनी चाहिए। तो ये सोचो आप, ऐसा लगता है कि हमें पेशेंस है। बहुत सारे लोग मेरे को फ़ोन करते हैं, इंडिया के बाहर से फ़ोन करते हैं, नहीं नहीं हमें पेशेंस है, नहीं हमें कैलकुलेशन आती है। भाई आपको क्या आता है क्या नहीं आता है मुझे नहीं मालूम, एक सच है कि आप माइनस में हो, आप लॉस में हो, ये सच है। इस सच को जितना जल्दी मान लोगे उतना आप लोगों के लिए अच्छा है। जो लॉस हुआ है उसको कुछ भी समझ के किसी भी खाते में डाल के उसको भूल जाओ। कोरोना के अंदर जिन लोगों ने जुआ नहीं खेला उनके होटल बंद हो गए, दुकानें बंद हो गई, नौकरी चली गई, जान चली गई, बाप मर गया, भाई मर गया, कुछ मर गया, तो वो लोग भी तो अब है ना जिंदा। तो समझ लो कोरोना के खाते में डाल दो कि कोई होटल था जी उसमें नुकसान हो गया, कुछ भी मानो, पर इससे निकलो। मैं ऐसे वीडियो बनाता रहूँगा क्योंकि मेरे हर वीडियो से अगर एक आदमी भी जुआ छोड़ता है या छोड़ने का सोचता है तो मेरा ये वीडियो बनाना कामयाब है। आप लोग क्या सोचते हो कमेंट करके बता देना। अगर आप में से किसी को लगता है कि मेरी बात में कुछ दम है, सोचा जा सकता है इस बारे में, छोड़ा जा सकता है, तो कमेंट करके बता देना। आपके इस तरह के कमेंट से बाकी लोगों को भी हौसला मिलता है, एक रेफरेंस मिलता है। ओके, गुड बाय, थैंक यू।